ये बताओ कि पैसे कहाँ से आते थे तुम्हारे पास, क्योंकि बिना पैसों के नशा कोई नहीं देता, और ये नशा जिसकी तुम बात कर रहे हो इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, तो 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे को इतना पैसा कहाँ से मिलता? पैसे की मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, कि मेरे घर में पैसों की कोई टेंशन नहीं, मेरे को पैसे मिल जाते थे घर से। मैंने 8 साल नशा किया हुआ, मैं घर से 2,000 रुपये मांगता, मेरे को उन्होंने पैसे दे देने। पहले जाके घर पे गए ना तो घर वालों बोलते थे कि चल यार तेरे पे इतने पैसे लगाए, इतने पैसे लगे, तू सुधरता नहीं है, जैसे बाहर निकलो घर से आगे दोस्त बैठे होते हैं। सोसाइटी ही ऐसी थी हमारी, गंदी सोसाइटी थी। जैसे मैं घर से बाहर निकला मेरे को दोस्त मिल नहीं गए, वैसे उनकी तरफ से मैं ख़राब हो गया थोड़ा सा। मैं अपने दोस्तों को ज़्यादा लेता था, कि पुराने दोस्त ही थे मेरे, उनके साथ ही बैठना उठना होता था। बल्कि ये चीज़ छोड़नी हो तो वो पुराने दोस्तों के पास नहीं जाना चाहिए। मैं देख रही हूँ तुम लगातार शिवरिंग कर रहे हो और तुम सोच सोच के बोल रहे हो, ये क्या हो रहा है तुम्हें ये बताओ? मैम यही है ना, जब नशा किया हो बंदे बंदा बोलते रहता है, तेज 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 बोलते रहता है। जब नशा नहीं किया हो तो अच्छा, बंदा मतलब बोल नहीं जब सकता। नशा किया हो तब तेज तेज बोलते हो, और जब नहीं किया हो तब बहुत सोच के, बॉडी भी कांपती रहती है। हाँ, बॉडी भी शिवरिंग करती है, बोलने नहीं होता बंदे से। हाल ही इम्पोर्टेंट है, अगर तुम नहीं करते इन 5-6 सालों में तुम्हें क्या मिल जाता जो तुमने ये नशा करके गवा दिया? मैम बहुत कुछ मिलता, आज के टाइम में कोई इज्जत नहीं है, कोई रिलेटिव ट्रस्ट नहीं करता है, इज्जत भी उन नहीं मिलती। इज्जत भी नहीं मिलती, इज्जत भी खो बैठे हैं। इज्जत बनाने में बहुत टाइम लगता है, खोने में 1 मिनट भी लगता। कोई ट्रस्ट भी नहीं करता है, पैसे मांगो किसी से वो भी नहीं देगा, घर वाले ही नहीं देते पहली बार। रिहैब सेंटर में हूँ तो एक और पर्सन है मेरे साथ, इनसे बात करते हैं कि अभी तो ये रिहैब सेंटर में है, पर ये सब चीजों की शुरुआत कहाँ से होती है? सोसाइटी में किस तरह से हमारे यूथ जो है वो इन सब चीजों के पास पहुंच जाता है, हालांकि पढ़ने लिखने की उम्र में वो कैसे इन सब चीजों की ओर चले जाते हैं जबकि माँ बाप उनको स्कूल का बस्ता उठाए हुए स्कूल भेजते हैं, लेकिन ऐसा रास्ते में क्या हो जाता है कि एक तो वो अपने करियर की तरफ पहुंचने के लिए रास्ता भटक जाते हैं, और दूसरी अगर बात करते हैं अपने घर आने के लिए भी जो है रास्ता भटक जाते हैं, तो क्या उम्र थी जब शुरू किया था? मैम मेरी 16 साल उम्र थी जब मैंने ये शुरू किया था। 16 साल का बच्चा शायद 12वीं में होता है। हाँ, नहीं जाता, मैं स्कूल जाता था, वहाँ पे बाहर कम ही निकलता था, घर से भी कम निकलता था बाहर। जब स्कूल में 12th क्लास में था, फिर उसके आगे आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्त थे वो ऐसे गलत लाइन में पढ़ के हुए थे, मैं जाता रहता था उनके पास चक्कर लगाने। ऐसे एक दिन ऐसा आया कि मैं उनके पास बैठ गया, वो कर रहे थे, मैं उनके पास बैठ गया, तो फिर वो मेरे को बोलने लगे कि चल यार तू भी कर ले। मैंने पहले सोचा कुछ नहीं, सोचता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। मैंने वहाँ ये कर लिया आहिस्ता आहिस्ता। उन्होंने बोला या कहा कि चले मैं भी कर लेता हूँ? नहीं, उन्होंने बोला कि कर ले एक बार चेक कर ले। कर क्या रहे थे वो? वो यूज़ कर रहे थे, हीरोइन यूज़ कर रहे थे, फाइल पे यूज़ कर रहे थे। वो कह रहे थे कि चल तू भी कर ले एक बार यूज़, देख ले तेरे को मज़ा आएगा। मैंने किया, पहली बार किया तो मेरे को वॉमिटिंग हो गई। डर नहीं लगा कि अब मैंने नशा किया मुझे वॉमिटिंग हो गई, मुझे कुछ हो गया था? हाँ, वो तो डर लगा मेरे को कि मैं घर कैसे जाऊंगा, क्या होगा। फिर मैं रिलैक्स हो गया किस्म का, मेरे को पता ही नहीं था कुछ, घर घर कैसे जाना कैसे नहीं। फिर मेरे दोस्त ही उठा के मेरे को घर पे छोड़ के आए। हाँ, पता चला घर वालों को क्या किया? घर वालों को पता चल गया कि इसने कोई अजीब ही नशा किया हुआ है। घर वालों ने पूछा, मैंने बताया और कुछ दिया कि मैंने दारू दूरू पी हुई है। फिर घर वालों के मार पड़ी? नहीं, उस टाइम घर वालों ने मारा नहीं था मेरे को, तब मेरी उम्र ही 16 साल थी, क्या मारना था घर वालों ने। उन्होंने सोचा कि गलती हो गई इससे, मगर गलती वो आज सजा भुगतना पड़ रही है उस गलती की। आज कितनी उम्र है? आज मेरी 24 साल उम्र है, 24 साल उम्र है। 24 साल, 8 साल हो गया ये यूज़ करते हैं। हाँ, इतना साल हो गया ये सब कुछ करते, नहीं तो घर वालों ने मदद की छुड़वाने में? कभी कमरे में बंद किया हो? घर वालों ने भेजा, रिहैब दूसरे सेंटरों में भी भेजा। गए मैं कितनी बार रिहैब सेंटर गए? मैं 3 बार पहले भी गया हूँ रिहैब सेंटर, वहाँ पे भी मैंने कोशिश की छोड़ने की। घर गया हूँ, 3 महीने काटे सेंटर में, घर गया 2 महीने अच्छे तरीके निकल जाते हैं, फिर उसके बाद फिर से मेरे से कंट्रोल नहीं होता, कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल नहीं होता। 3 बार गया हूँ, 3 बार कंट्रोल नहीं हुआ मेरे से, अब ये चौथी बार है। अब घर वालों को भरोसा दे के आया हूँ कि मैं छोड़ दिल दूंगा। करता है छोड़ने का? हाँ, अब तो दिल करता है छोड़ने का, कि अपनी बहुत। सेहत में फर्क बताओ, जब पहले करते थे सेहत कैसी थी तो आज सेहत कैसी है? पहले मेरा वेट होता था 90, अब मेरा वेट है 64। हाँ, वही देख देख के मेरे को लगता है ऐसे कि मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है सारी। साथ में लीवर इफेक्टेड होता है जो हम करते हैं,
लीवर है। कभी छोड़ने के लिए आपने कुछ और गेम्स नहीं ज्वाइन किए, जिम ज्वाइन नहीं किया कि वहां से हटके वहां चला जाता नहीं मैम, ऐसी तरफ ध्यान गया ही नहीं, सिर्फ गया ध्यान नशे की तरफ ही। अच्छा चलो, एक बार जब आपने कर लिया, फिर आपने छोड़ा, आप रिहैब गए, फिर आपको कहाँ से मिल जाता था, फिर कैसे आपको नशा मिल गया, फिर आपने कहाँ से शुरू कर दिया? जैसे कि घर वालों के घर पे गए ना, तो घर वालों बोलते थे कि चल यार तेरे पे इतने पैसे लगाए, इतने पैसे लगे, तू सुधरता नहीं है। जैसे बाहर निकलो घर से, आगे दोस्त बैठे होते हैं। सोसाइटी ऐसी थी हमारी, गंदी सोसाइटी थी। जैसे मैं घर से बाहर निकला, मेरे को दोस्त मिलने ही गए, वैसे उनकी तरफ से मैं ख़राब हो गया थोड़ा सा। मैं अपने दोस्तों को ज़्यादा लेता था, कि पुराने दोस्त ही थे मेरे, उनके साथ ही बैठना उठना होता था। बल्कि ये चीज़ छोड़नी हो तो वो पुराने दोस्तों के पास नहीं जाना चाहिए, अपने नए दोस्त बनाओ जो अच्छी राय दे। दोस्ती मत बनो। हाँ ये भी हो सकता है, दोस्ती नहीं बनाओ, घर पे रहो अपने अच्छी तरह। अच्छा मुझे ये बताओ कि पैसे कहाँ से आते थे तुम्हारे पास, क्योंकि बिना पैसों के नशा कोई नहीं देता, और ये नशा जिसकी तुम बात कर रहे हो इसके लिए बहुत पैसा चाहिए, तो 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे को इतना पैसा कहाँ से मिलता? पैसे की मेरे को कोई टेंशन नहीं थी, कि मेरे घर पर पैसों की कोई टेंशन नहीं, मेरे को पैसे मिल जाते थे घर से। मैंने 8 साल नशा किया हुआ, मैं घर से 2,000 रुपये मांगता, मेरे को उन्होंने पैसे दे देने। पहले बार पहले जब रिहैब सेंटर काटा था, तब तो घर वालों को पता ही नहीं था कि क्या करता हूँ क्या नहीं, वो पैसे पैसे दे देते हैं। अब उनको पता चल गया था, तभी बहाने बहुने लगा के मैं ले लेता था। पैसे वैसे की टेंशन नहीं थी मेरी, ये नशे की टेंशन है, ये छूटता ही नहीं है। कभी इंजेक्शन वगैरह लगाए? हाँ इंजेक्शन लगाए, अब इंजेक्शन भी आ गए थे। तुम्हारी वो ये जो बाजू पे निशान दिख रहे हैं इंजेक्शन के? हाँ तो अभी तक जख्म वैसे ही है? हाँ दर्द नहीं होती ना? मैं अभी नहीं होती दर्द, ये अभी ठीक होने में आए हुए हैं, ठीक हो जाएंगे 10-12 दिन के बाद। तुमने एक चीज़ कही यहाँ पे कि तुमसे रहने नहीं होता, मतलब छोड़ने नहीं होता, तो अभी कितने दिन से हो यहाँ पे? अभी मैं 3 दिन से हूँ यहाँ पे। तो 3 दिन से कैसे छोड़ रहा? इधर फैसिलिटी है, अच्छी दवाई दवी दे रहे हैं, दवाई दवी खा के ठीक है। जब दिल करता है कि करूँ तब क्या करते हो? तब हम अब तो यहाँ पे हम बंदिश में हैं, इधर गेट वुट लॉक लूक लगा हुआ है, इसलिए हम आज बाहर जा नहीं सकते ना, कुछ कर सकते। चीखे चिल्लाए जब नशा ना मिले? हाँ ये भी होता है, जब नशा नहीं, पहला दिन आया तो फिर चीखे चिल्लाना पड़ता कि बाहर घर भेजो घर भेजो। फिर इनको भी ऑर्डर होता है कि घर जाएगा बंदा उनकी मर्जी से, उनकी घर वालों की मर्जी से। घर वालों की मर्जी से? तो घर वाले जब यहाँ पे मतलब मिलते हैं या किसी भी रिहैब सेंटर में जब तुमसे मिलते हैं, तो तुम उनसे पैसे वगैरह लेते हो? नहीं यहाँ पे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। खाना पीना 3 टाइम सही मिलता है, सोने में भी कोई दिक्कत नहीं है, रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। अब क्या मन करता है, छोड़ना है या फिर करना? ना अब तो मन करता है कि छोड़ना ही छोड़ना। अच्छा ये बता दो, ये सवाल ही इम्पोर्टेंट है, अगर तुम नहीं करते इन 5-6 सालों में, तुम्हें क्या मिल जाता जो तुमने ये नशा करके गवा दिया? मैम बहुत कुछ मिलता, आज के टाइम में कोई इज्जत नहीं है, कोई रिलेटिव ट्रस्ट नहीं करता है, इज्जत भी नहीं मिलती, इज्जत भी नहीं मिलती, इज्जत भी खो बैठे हैं। इज्जत बनाने में बहुत टाइम लगता है, खोने में 1 मिनट भी लगता, कोई ट्रस्ट भी नहीं करता है। पैसे मांगो किसी से वो भी नहीं देगा, घर वाले ही नहीं देते। पहली बार घर वाले इंटरेस्ट करते हैं तो बाहर वाले कैसे करेंगे ट्रस्ट? कभी रोता हुआ देखा? हाँ देखो वो बहुत बार रोते हुए, अभी पापा छोड़ने आए थे, पापा रो रहे थे यहाँ पे कि मैं कितने बार इधर को रिहैब सेंटर भेजूँ। कोई और भाई है? नहीं नहीं कोई भाई नहीं है, मैं अकेला हूँ, एक सिस्टर है मेरी, उनका सहारा बनना था। हाँ वही तो, पैसे की कोई तंगी नहीं थी तो आज प्राइवेट बिजनेस ही शुरू किया होता? हाँ मैम वो तो है, बहुत खर्चा किया हुआ। अब क्या सोचा इन, मतलब कभी सोचते ही होंगे, सोच में आता होगा कि चलो ठीक हो जाता हूँ, नशा छोड़ देता हूँ, ये करूँगा, क्या सोचा वो बताओ? अभी मैम यही सोचा होगा कि हम नशा छोड़ेंगे, और भी जो बंदे हैं नशे नुशे करने वाले उनको भी बोलने की यार ये नहीं पढ़ो इन चीज़ों में, गंदी चीज़ है, बर्बाद कर देती है सब कुछ, घर के घर बर्बाद हो रहे हैं यहाँ पे। जिस तरह से मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम लगातार शिवरिंग कर रहे हो और तुम सोच सोच के बोल रहे हो, ये क्या हो रहा है तुम्हें ये बताओ? मैम यही है ना, जब नशा किया हो बंदे बंदा बोलते रहता है, तेज 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 बोलते रहता है, जब नशा नहीं किया हो तो बंदा मतलब बोल नहीं सकता। जब नशा किया हो तब तेज तेज बोलते हो, और जब नहीं किया हो तब बहुत सोच के, बॉडी भी कामती रहती है? हाँ बॉडी भी शिवरिंग करती है, बोलने नहीं होता बंदे से। अच्छा चलो एक आखिरी सवाल का मेरे जवाब दो, कैसा शरीर लगता है, मतलब अभी तो तुमने नशा नहीं किया ना, अभी तुम्हें क्या थकावट महसूस हो रही है? हाँ मैम अभी थकावट महसूस हो रही है कि मैंने कुछ नहीं किया हुआ है, कोई कुछ किया ही नहीं है अंदर। तुम मेरे बिल्कुल पास बैठे हो और मैं तुम्हें देख रही हूँ कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई जान ही नहीं है। हाँ
यही है। चलो अभी बहुत सी बातें हो गई, जो लोग नशा कर रहे हैं उनको कुछ कहोगे, जो बच्चे नशा कर रहे हैं उनको कुछ कहोगे? जैसे मैं यही कहूँगा कि ये इस चीज़ों से, गलत चीज़ों से दूर रहिए, ये बहुत गंदी चीज़ है, गलत चीज़ें हैं ये, इससे पैसा भी बर्बादी है, अपने शरीर की भी बर्बादी है और घर वालों की भी बर्बादी है। लोग ताने कैसे मारते, क्या कहते हैं? लोग सीधे हमारे को यही बोलते हैं, नशेड़ी जा रहे हैं, नशेड़ी जा रहे हैं बस। बोलते हैं ऐसा? हाँ ऐसे बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, नशेड़ी जा रहा, वो नशेड़ी गया, वो गया। हम सुन लेते हैं तब हमने नशा किया होता है। अभी हमें जैसे हम ठीक होके घर पे जाएंगे तब कोई बोलेगा, हम उसको पड़ जाएंगे कौन सा नशा किया हुआ है, क्या किया हुआ हमने। खुद ही तुमने एक बात कही ना कि इज्जत बनाने में वक्त लगता है और गवाने में वक्त भी नहीं लगता, तो अब कैसे इज्जत बनाओगे अपने घर वालों को, कैसे वो सारी इज्जत वापस दिलाओगे? नशा छोड़ेंगे मैम तो इज्जत बन जाएगी सारों के सामने, उनको भी पता लगेगा कि घर वालों की, चलो ठीक है छोड़ दिया हुआ है, अब ठीक है अब ट्रस्ट करेंगे ऐसा ही था, नहीं तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। अब फिर से घर से जा घर जाके कर लेंगे, फिर तो कभी भी नहीं कर पाएंगे घर वाले। अभी उन्होंने भेजा हुआ लाइसेंस, अभी देखते हैं ठीक है। हमारी कोशिश तो यही है कि हम छोड़ दें, बाकी वालों के यही कहते हैं कि वो भी नहीं करेंगे। नशा जो है हमारी सोसाइटी में कहाँ तक घर कर चुका है, ये आपको एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम बता रहे हैं। और यहाँ की डायरेक्टर मैम से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि इस तरह से यहाँ पे सबको ठीक करने के लिए जो है बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन उसके बाद एक विल पावर का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ में जहाँ बात करते हैं, जिस तरह से हमारी पुलिस जो है वो काफ़ी अवेयरनेस ड्राइव चला रही है, लेकिन पुलिस जो है वो उन जगहों पर भी नकेल कसे जहाँ पर हमारे ये युवा लेने के लिए जाते हैं, चंद पैसों के लिए जो है इनकी ज़िंदगियों को ख़राब कर दिया जाता है। और इससे बहुत से घर जो हैं वो भी तबाह हो रहे हैं, इनका फ्यूचर भी तबाह हो रहा है। और आज ये खुद इस चीज़ को एडमिट कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। और सही मायने में हम भी यही जानने आए थे कि इन्हें एहसास है कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या खो दिया, और ये खुद ही एडमिट कर रहे हैं कि इन्हें एहसास है इन्होंने अपनी ज़िंदगियों में क्या खो दिया है और आज ये क्या पा सकते थे। आप भी अपने सुझावों को जो है कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और आपकी राय भी बहुत ज़रूरी है। और इन बच्चों को बेस्ट विशेस ज़रूर दीजिए कि ये अपने फ्यूचर में जो है इस तरह की गलती ना करे और अपना भविष्य जो है वो संवारे और यहीं से जाए। तो ऐसे और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्बुलेटिन। आशिया खान से सलाह।